भुवनेश्वर की जूनियर टॉपर हमारे साथ तमन्ना जी मौजूद है। तमन्ना जी एक बात बताइए, जब ये न्यूज आया उस समय आपका क्या रिएक्शन था, मतलब पूरा जूनियर टॉपर? जब मुझे पापा ने न्यूज बताई तो जूनियर टॉपर सुन के काफी अच्छा लगा। रैंक मेरी मार्क्स के हिसाब से और जो मैंने आंसर की से मैच की थी उसके हिसाब से जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आई थी, तो रैंक का रिएक्शन नहीं था। बट जूनियर टॉपर थोड़ा सरप्राइजिंग था, झारखंड स्टेट टॉपर की मैंने तो कोशिश कर रही थी। कौन सा IIT में जाने का सपना है? IIT बॉम्बे या दिल्ली, मुझे तो दोनों ही इक्वली गुड लगते हैं। और कौन सा ब्रांच? कंप्यूटर साइंस। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी तमन्ना? एडवांस के मतलब 12th में आने के बाद तो मेरी 11-12 आवर्स की स्टडी इंक्लूडिंग कोचिंग, क्योंकि मैं 12th में आके मोस्टली कोचिंग में ही स्टडी किया करती थी। मॉर्निंग 7 AM में चल जाती थी कोचिंग, रात को 8 बजे घर आते थे इंक्लूडिंग ब्रेक्स। तो रात 8 बजे आप कोचिंग से घर आती थी? हाँ। और उसके बाद फिर क्या टाइम टेबल होता था आपका? उसके बाद लोग कोचिंग के आने के बाद भी लोग सोचते कि पढ़ते रहते हैं। नहीं, रात में कितने बजे सोते थे आप? 9 से 10 के बीच। 9 से 10। और सुबह में जल्दी उठते थे या रात में पढ़ते थे? जल्दी उठने वाले में से ही है। रात की कितने बजे सुबह उठते थे? 4 से 5 के बीच उठ जाते थे आप। ओके, तो इस दौरान क्या डाइट पे भी कुछ खास ख्याल रखा? बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है। जी हाँ, डाइट पे खास ख्याल रखा मैंने। जंक फूड और ज्यादा तेल मसाला नॉनवेज अवॉइड किया, क्योंकि मुझे बचपन से थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम रही है फूडिंग को लेके। ओके, तो 2 साल कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए 2 साल इतना सैक्रिफाइस किया। एंड मम्मी ने भी उसमें काफी हेल्प की। कभी चीट मिल किया, ये फेवरेट है चलो खा लेती हूँ ऐसा कुछ? हाँ, कभी कभी बर्थडे वगैरह पे हो जाता था। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि पार्टीज सब कुछ सैक्रिफाइस किया, पार्टीज किया, बाहर आउटिंग दोस्तों के साथ, ऐसा भी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा? कहीं पे इनविटेशन आया होता है मम्मी पापा आप चल जाओ, मैं नहीं चल जाऊँगा, ऐसा भी कुछ आया आपके पास? हाँ, से काफ़ी मैं शायद 2 साल में बहुत ही कम आउटिंग्स में गई होंगी। 10th कोर्स के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि 10th कोर्स खत्म हो, उसके अगले दिन मुझे बोला गया था कि आज जितना घूमना है घूम लो, उसके बाद 2 साल आपको नहीं घूमना है। बट उसमें भी 1-2 बार इधर उधर चल गई थी जब बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रेशर खाने की रिक्वायरमेंट हुई थी। ओके, इसमें मॉम डैड का कैसा रोल रहा, कैसे सपोर्ट किया पापा ने? पापा मम्मी का तो कॉन्स्टेंट, मतलब अगर पापा मम्मी नहीं रहते, अगर मतलब बहुत लोग बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के प्रिपेयर करते हॉस्टल्स में रहते तो। ओके, ये बताइए सफलता में क्या जरूरी है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ वर्क किया, कंसिस्टेंसी हार्डवर्क क्या है, ऐसा क्या 5 चीज आप बोलेंगे कि ये टॉपर्स में होना चाहिए, आपने भी फॉलो किया उसको? सबसे ज़्यादा जरूरी है परफेक्टली बैलेंस्ड प्रिपरेशन। आपको ज़्यादा स्ट्रेस पूरा खुद को होना नहीं करना है, आपको ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं रहना है। परफेक्टली बैलेंस्ड प्रिपरेशन जहाँ पे हार्डवर्क और स्मार्टवर्क का इक्वल कॉम्बिनेशन रहे। आपको किस टॉपिक को कहाँ पढ़ना है, आपका क्या वीक है, किस तरीके से पढ़ना है, टीचर्स से कांटेक्ट में रहना है, ये बहुत एक मैनेजमेंट स्किल्स भी होते हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म देखा इन 2 सालों में? एक भी फिल्म नहीं देखा। वेब सीरीज देखा? सोशल मीडिया में रहा? इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं? इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मैं थी हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब में नहीं? मतलब सोशल मीडिया आपको लगता है डिस्ट्रैक्ट करता है? मैं 10th के पहले तक थी इंस्टाग्राम पे, एंड फिर मेरे को पता चला कि डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो हटा दिया उसको। हटा दिया। चलिए।